आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। चाय पीकर घर वापस जा रहे युवकों की तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। इस सड़क हादसे में एक युवक की मौत घटना स्थल पर ही हो गई, जबकि दूसरे युवक का घायल होना बताया गया है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को सीधा कराया और मृतक के शव को बाहर निकालकर पीएम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। यह पूरी घटना रीवा जिले के बैकुंठपुर कस्बे में आज सुबह घटित हुई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा युवक घायल हो गया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक बैकुंठपुर कस्बे के बड़े व्यवसायी नाती सेठ का नाती अभय गुप्ता आज सुबह अपने दोस्त के साथ कार लेकर हरदी मोड़ पर चाय पीने गया था, जहां से वापस आते समय बैकुंठपुर कस्बे में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि डिवाइडर से टकराने के बाद कार पलट गई, जिसमें अभय की मौत घटना स्थल पर ही हो गई जबकि उसका दोस्त घायल हो गया है। स्थानीय लोगों द्वारा तत्काल पुलिस को सूचना दी गई, जहां बिना समय गवाए मौके पर पहुंची पुलिस ने कार को सीधा कराया, लेकिन तब तक अभय की मौत हो चुकी थी। घटना के बाद बैकुंठपुर कस्बे में सन्नाटा पसर गया है, वहीं नाती सेठ के घर में मातम छा गया है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है।